है, जो इसका नाम जपेगा उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसका भी मंगल हो जाएगा। इन्हें इतिहास भी बदली होगा, बड़े बड़े राजे कने बैरो आएगा, इकड़ी धरती जो प्राण राक्षसी की मकान है। मैं की इन्हें गुणे का वर्णन कर, मैं ऐसे सोचा मैंने बड़े कर्म किए थे, रोई पे गड़गड़ा चाहे जरा भगवान का नामकरण संस्कार करने का अवसर मुझे प्राप्त हो, ना रखने वाला भी तुम्हारा बंदूर का तो बड़े होता है। गड़गड़ाचार्य किन्नी पूजी की हस्ती होंगे, जिंदे मुख विचा ना निकलिया तो ना रखे भगवान कृष्ण पूजा करी उड़ी ना रखी उड़िया। मां जशोदा ने आख्या पुरोहित जी हुण तुसी बड़ी भुख लगी दी होनी है, ते नी तुंदे ताने हुण की बना खीर बना दियां बड़ा, ते खीर बनाई की ते जल्दी खीर गै बनी चाहिदी। खीर बनाई है जियां थाली लगे रखी नी गरगराचार्य जी, गरगराचार्य जी ने अखां बंद कीतियां ते भगवान दा ध्यान कीता, भगवान मेरा भोग लाई लो गाऊ। श्री कृष्ण उधर खेल रहे थे, भगवान कृष्ण दिखते थे हस्ते कि ये तो मेरी भोग लवा देना है, क्या जिंदा भोग है लवाई। गरगराचार्य जी ने जिया प्रार्थना की, प्रभु मेरा भोग लाओ। अखा बंद करी है ते जिले अखा खोलियां ते जिले दिखिया थाली बिचा खीर मुक्की गई। गरगराचार्य बोले हे नंद रानी थोड़ी खीर मुझे और खिला। उन्हें आख्या बड़ी खीर है जिन्हें मर्जी खाओ। तो जी खीर कने थाली परी ते मुड़ी अखा बंद कीतियां भगवान मेरा भोग लाओ। एक नियम होंदा ना खाने को पहले लोग परमात्मा ही भोग लाओ। हुण कोई सोचा भाई परमात्मा ही तुहाने की भोग लाना, परमात्मा ते सारे ही दिंदा, जिहड़ा सारे ही दिंदा ते उसी भोग के लाना, लेकिन फिर भी भोग लगाना चाहिए। रोटी तो मां प्यो गए कमाई आमदन है घर, पर जे कोई शैल रोटी बनाई है मां प्यो ही आखा पहले खाओ तो उनका दिल खुश होगा। सारे बच्चे सानू इर्ख लाने वाले ने, सारा मान सम्मान करने वाले ने, खाने पीने का कोई भुखा भुख नहीं। और गरगराचार्य ने आख्या प्रभु मेरा भोग लाओ। भगवान ने खीर खाई, गरगराचार्य ने अखा खोली देखा खीर मुक्की। भगवान लीला करते हूं डरदा, मां जशोदा ही आखा नहीं खीर पा, सोचा दे मां जशोदा ने आखना चंगे परोत होर ने खीर लिखाई आ रहे। अज जशोदा बोली प्रोजी और खीर ते नहीं लैनी है तुसे। गरगराचार्य बोले जे ऐसे देई उड़ो। बंधु जशोदा ने मुड़िए खीर पाई ही, उन्हें नहीं अखा बंद कीतिया, क्या के बोला पूरी खाई है ते कुठे गोकुल ते कुठे मथुरा, ते कियां वापस जाना भुखे भाने। हुण बड़ा भोग लाई लिया भरावा तैनूं मेरा। भगवान लीला करते बोलो श्री राम जय Yeah.
मां शक्ति तपाता श्री महाराज की जय। एकदा क्रियमानस्ते रामत्यागोपदारक कृष्णो मृदं भक्षित्वानिति मात्रे न वेदनम। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मिट्टी के साथ खेल रहे थे। आज तो उसके आगे का नखे मिट्टी का नखे। एक बारी कोठा बढ़ाओ, मुड़िए त्रोड़ो, फिर एक ही कांड कर दो, इधर गाओ है? फिर मारे फर्श पाओ, नहीं फर्श नहीं शहर है, और प्लेटा लगाओ तो प्लेटा बार कटो, मार्बल लो, आदमी तो मिट्टी का नहीं डाले हैं, सारी उम्र मिट्टी का नहीं खेल रहे हैं, कटी हुई चार पैसे परमात्मा के नाम से लाए हुए नहीं हैं, ऐसे क्या लाए हैं? लाए नहीं लाए। अच्छा दिन था ना, कोई दान पुण्य करते, कोई तीर्थ करते, कोई सता सत्संग कीर्तन कराते, सारा जीवन सफल हो जाता। पर जेड़ा मकाना में तुसे पैसा लाया ना, वो कौड़ी का माला नहीं है, बड़े रीजे कने कोठी बनांदे हो, जहां ते जवान होंदे हो ते यहां ते रोज लड़ाई लांदा भापा ही, मकान बनाया तुसे पुराने जमाने का, ये नहीं है मकान, इसी त्रोड़ो वाला यार, बड़ी कमाई करी है ना, मेहनत कने पैसा लाया ला, पर उसी मेहनत मुहूर्ता नहीं लगता नहीं आता ना, त्रोड़िए परी पले मारी मिस जूस हुआ ना, पैसे का दुरुपयोग हो जाना। मिट्टी का नखे डाल रहे भगवान ने, कुछ चिकनी मिट्टी जो की भगवान ने मुंह में पाई, दाऊ जी ने दिखी है, दाऊ जी आ गए हैं कृष्ण, उसे मिट्टी खाती, भगवान आखा दे मैं मिट्टी खादी, मैं खाती, मैं कुसा को लड़ डरता है। अच्छा बच्चू मार विष्णु के समझना, आप एक ही मार पड़ती, आज दाऊ माँ जशोदा के पास जाते हे मैया, जिसे आप लाड लगाते हो, जो देता है ताजा ताजा मक्खन छोलिए बार कर दे, उगे तुम्हारा श्री कृष्ण मिट्टी है खाला, माला दिखा कृष्ण मिट्टी खा, हे माए लोग देखण ते क्या हगण, माँ जशोदा इसी खलांदी का खन सोटी लेती माँ जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास है। भगवान ने दिखा उन मेरी शांत आई है, कोटिए मुंह बंद कर लिया, मां ने पूछा कृष्ण मिट्टी खादी, ना अहम भक्षित्वानंद सर्वे मिथ्यावी संशित, सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोला है कोई कृष्णांगर लेखा, इन्हें विश्वास करना है, इन्हें विश्वास करना है, बोले तू भगवान मिट्टी खादी, भगवान आखा दे मां सब झूठ बोलते हैं, सारे झूठ मार, आदि बच्चों तू अपना मुंह खोल, ये मिट्टी खादी हो तेरी जीभ जरूर लगी गई, भगवान आ दे खोला बोली खोलो, आज भगवान ने जैसे मुख खोला, सारा ब्रह्मांड माँ यशोदा को मुख में दिखा दिया, बोले बाल ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र तारे ध्रुव तारे सप्तऋषि विष्णु लोक शिव लोक ब्रह्म लोक नाग गंधर्व बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े सिद्ध बड़े बड़े सागर सागरों में रहने वाले बड़े बड़े जल के जीव मां यशोदा को लाने दिखाऊंगा,
मूर्छित होकर धरती को देख रही। भगवान ने साथ लाया मेरी लाड नीला इसी पता लगी है मैं किसा है। भगवान जोग माया याद है जोग माया मेरी माँ ने जो दिखा ना इसी चेता नहीं कर बस योग माया जी आई माँ यशोदा ने जो दिखा माँ यशोदा ही चेता जो सुना दिया सामने चेता है पर खुदा बाहर हो रहा है सामने दूजे तक आप नहीं जाना क्या रहूँगा आज दाल भात बना रहा नहीं बना रहा हाँ तो पहले अपना पहले प्लेट में ही दियो बाकी अलग बात कोई बंदा काला है ना और कोई फटाफट पाई दियो पतला दियो दाल दियो पात दियो चावल दियो तो नहीं पाई बगैर पतला के पाई दियो मतलब सारा ज्ञान कुछ चली जाता कि काले पे ये आप है प्रसाद की गल आ रहा है तो कम का शुरू हो जाता मैं अस आखने पहले नहीं थोड़ी आ हानी हो प्रसाद पहले ने मुक्की नहीं थोड़ा टेंशन की पी जी सामान सोच की पी जी सामान जो प्रसाद लैता तो राई करो यार नहीं 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 अपने पोतरे का भी लेना मैं घर भी लेना बड़ी दूरा तक सुन गई ये सारा लक्षण जो जब कुदै कोई ऐबी नैबी गल हो जाती उठे जन्ने कि ज्ञान हों घर आ फिर सब कुछ चेता भुली जाता मुड़ी जाइए मेरी मेरी कही यही है जो माया में बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम शिशु यशोदानंद के कर्मांतर नियुक्ता सुनिरमंथं स्वयं जानी जानी गीतानि तद्बाल चरितानि ददे निर्मंथन काले समरं कीर्तने गायक सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं प्रक्षत चार लाख गाय थी नंद के घर में और दासियां कितनी हैं सारियां दासियां बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय यशोदा भी लगी थी दही छोड़ मेरे कृष्ण ने उठी पाऊंगा उठने को पहले मैं मक्खन छोली है फिर भगवान की मक्खन कितनी फिक्र है मां यशोदा मक्खन खून दिया जेडिया मां यशोदा ने
अपने बच्चे की फिक्र कि अपने बच्चे किश कोई शैल खिला ला। जो बच्चे तुम्हें लाए रहने है ना मैगी के उपर मोमोज के उपर कि पैर मारने का उन्होंने सोचना जरा बच्चे दूध खिला दही खिला मक्खन खिला घी खिला लेकिन तुसे एक बहम होना नहीं मारे मक्खन नहीं खिलाना बीमार हो गया ज्यादा बहम से पा रहे डॉक्टर बच्चा मक्खन खाए भी लिया तो बीमार नहीं हो सकता क्यों नहीं हो बच्चे का फेरा टोरा इना ना पचाई तो बच्चे की अच्छी चीजें खिलाओ बनी फिर तुम आ रहे हो साड़ा बच्चा नशा करता है इसी नशे की आदत पौनी इसी तुसें अच्छी चीजा का स्वाद नहीं पाया इसी पहली गलती ये की अपना दूध नहीं पिलाया आज माताएं बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती हैं टीवी भी मशहूर ये होंगे ना माँ का दूध बड़ा ही पौष्टिक है माँ को चाहिए अपना दूध पिलाए बच्चे को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है माँ का दूध माँ अपने बच्चे दूध पिलाई है राजी जो माँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती है उनको तो ब्रेस्ट कैंसर होने का डर रहता है छाती का कैंसर होने लगा है इसलिए बच्चे दूध पिलाना और इन्हें स्वाद पाई वो दूध का फिर गलत चीज नहीं खाना कहने लगे चुटकियां खाने तौड़ियां मोरियां शराब इन्नी कौड़ी नहीं पीती नहीं है कई बार सोचने इन्हों कोई तुप्पा का होंगे कोई किस तुप्पा का होंगे किस पता लगता कौड़ी मेरा आखने का भाव यह है अपने बच्चे शैल शैल चीजें का समाज पाओ मुझे नशे को बचा आज दही छोला भी पूरा नहीं छोड़ रहा जाग आई भगवान कृष्ण की भगवान ने रोना शुरू कर दिया फटाफट मां यशोदा ने मधाई इं रखी भगवान की चुकया गोभी पाया तो दुख पाया गया रज ने हा होगा भगवान सोच आई यही आए देखो हाँ दिन कुछ करी है किन्नी गर्मी हुई ये माए मी तो कोई काम नहीं किया फटाफट चुकया भगवान कृष्ण की ये छोड़ा भगवान की रूह जिल्लै दिखो दही छोलती रही दही छोलती रही सिर्फ मिगी खाने दी और कुसे खाने नहीं दी देखो भगवान ओहदे कन्नै प्यार करदे जिहड़ा उसी भगवान गी घट खला जिहड़ा लोकें गी मता खला भगवान आखदा इन्हें लोकें गी ते मी कल परसों किन्ने स्टाल लाए हुए तुस भगवान ने बड़े खाते खाते आए तुसे नहीं लेकिन पुजे भगवान तक सच्चे जिदे बिच उस परमात्मा का नाम आई गया नहीं भगवान तक पुजे लेकिन भगवान खुश होंगे जे कोई लोकें की सेवा कर आए भगवान ने दिखिया आए बंदर ही खिलानी पक्षना ही माँ यशोदा बाहर लगी थी छोलने तक पिछला दरवाजा खोल लिया बंदर इशारा कराया आइया दौड़ दे
महाराज बंदर आइए तो वृंदावन आज भी दिखे बंदर पड़ेगा और बड़े कची जाली बजाय रे भगवान कृष्ण है ना। आप में से कौन गया वृंदावन? छे सात जने नहीं गए वृंदावन तो बाकी आले कुछ जाते हैं हरिद्वार हरिद्वार। चलो मना च फार्म भर लाओ वृंदावन नहीं जाना तो जाओ। वृंदावन सो मन नहीं नंद गाँव सो गाँव तुलसी बट सो बट नहीं और कृष्ण नाम सो। वृंदावन अंदर लिखा कोई बाण नहीं है, नंद गांव अंगर लेखा कोई ग्राम नहीं है। मैं वृंदावन गया तो नंद गांव नहीं लग गया ना तो मीं लगे गलियां दिखी और पता नहीं एकड़ी गली जा निकली आंदा रहा एकड़ी जा निकली मतलब ऐसे बहम पौन अपनी गली में और बहम कुत्थे पौंदा वा जिथे कोई चीज होंदी होवे बहम उत्थे पौंदा जाइया बहम पे ही लगा तू हाँ उठे निकलना जिथे कोई चंगा नहीं हो रहा कुछ। और नंद गांव देखा पूरा कल्चर ग्राम ला कोई पुरानी चुकी आ रहा था कोई काला बटना ही आ रहा था कोई दांत ली आ रहा था कोई बैलगाड़ी ली आ रहा था कोई भैन आई है टोकरी सुटन जा रही है ढुंड कटे दे टोकरी सुटन जा रही कुदै न्याणे खेडा रहे कुदै उधर न्याणे खेडा रहे नंग मनुगी पशु लाग लाग नहीं है कुदाइयां ग्रां दा कल्चर गली दिखी रखी है पता नहीं कि गली विच निकल जांदा नंद गां सो गां नहीं कृष्ण नाम सो नाम तुलसी बट सो बट नहीं वृंदावन सो धाम। तो भगवान की जन्म भूमि दिखने पर इतना भगवान ने अवतार रखा तो युक्ति का स्पर्श करना चाहिए मनिया सब कुछ बदली है पर मिट्टी तो हुआ नहीं या मिट्टी भी बदली हो मिट्टी वही है धरती भी वही है इसलिए जरूर जायो वृंदावन के दर्शन करने। बंधु बंदर आइए दौड़ दे भगवान ने इशारा कराया ऊपर मटकी के ऊपर मटकी मटकी के ऊपर मटकी बंदर इशारा मारिया कन्ने पंबली माखन खाया गिराया मटकी फोड़ी और सारे के सारे बानर भाग गए। जब बानर खा दे भगवान बड़े खुश हुए नाच रहे थे भगवान ऐसी लीला करते हैं सारे शास्त्री महाराज जाते ही आगे चलो भाई कुश्ती कच्छ है दम जाते ही ग्रां भेजियो ना जाओ बाल्टी लिए दुध दाइए लिए जाते घर घर जाना आखना शास्त्री महाराज ने दुध पीना है ये दुध दियो लेकिन खुश होइए देना शास्त्री ने सारा दुध दिया बाल्टियां पर ये दुधा नहीं आना तो शास्त्री महाराज ने न्याणे की कुश्ती करवानी जिन्हें ढाई उड़ना नहीं उसी एक गिलास जिन्हें टठी आना नहीं उसी दो गिलास कहीं आखना महाराज ने ढाया है मिगी एक वो टठिया उसी दो आखा दे यार जरा टठिया दुध पीने की जरूरत है उसी कैसी लीला हो शास्त्री
एक बारी दो बनाता हूँ हमें गिन सुन तो पूरा बंदोबस्त शास्त्री महाराज ने कीता सर्दियों के टाइम 8 बजे तो देखो हाँ या रात होंगी तो शास्त्री महाराज ने बंदे पूछे हो कितना टाइम होया महाराज 8 बजे तो मैं क्या बराबर नहीं आई अली आखा जा रही है शास्त्री महाराज आखा जा अच्छा फिर दिखला वाली नौ बजे मुड़ी आए आखा ने बराबर नहीं आई आखा महाराज आली नहीं आई शास्त्री महाराज आ जाए अच्छा अद्धा घंटा दिख लाओ महाराज 10 जिले बजे नहीं शास्त्री महाराज ने पूछा बरात नहीं आई आखा दे महाराज बरात नहीं आई पर दिखने वाले बड़े लोग आए ने शास्त्री महाराज ने आख्या पहले जेडे दिखने वाले आए थे ना पहले उन्हें खिलाओ रोटी ते जेले बराती वाले आऊंगे ना फिर दिखा जा सच्चे मुच्चे जेडे लोग दिखने वाले आए थे उन्हें रोटी खिलाई होनी बराती की सारी ते फिर जेले 10 जेले रोटी खिलाई होनी नी लोकें ते फिर बाजे वाले आए वो पीपणियां बजांदे हूँ आखने के मारे हूँ की खिलाना है शास्त्री महाराज ने जाते लाया जाओ पूरा ग्राफ जो घर दाल बची थी दाल पवाई लो चौल बचे चौल पवाई लो फुलका बचेगा फुलका पवाई लो जो सब्जी जो चौल बचे थे नहीं जो पवाई लो मारे बाल्टियां बाल्टियां पर ही आ रही शास्त्री महाराज ने अपने इतने दो फुलके लेने और चौल पाने और सब्जी